हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। देखो इसमें क्या कहता है, द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन, ये आपको एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसकी वैल्यू निकालनी है और ये ऑप्शन आपको राइट इसमें चूज़ करने हैं, ठीक है। तो देखो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो ये क्या है हमारे पास, साइन स्क्वेयर 22 डिग्री प्लस में साइन स्क्वेयर 68 डिग्री, और नीचे क्या है हमारे पास यहाँ पर, कोस स्क्वेयर 22 डिग्री प्लस में कोस स्क्वेयर 68 डिग्री, और यहाँ प्लस में अलग से चल रहा है ये आपके पास साइन स्क्वेयर 63 प्लस में कोस 63 एंड साइन में 27 डिग्री, ठीक है। अब देखो इस तरह के जब भी क्वेश्चन आते हैं जहाँ पर ये एंगल्स डिफरेंट होते हैं, है ना, जैसे मैंने आपको बताया पहले भी 0, 90, 30, 60, 45, इनसे अलग ये जो नंबर चलते हैं एंगल्स के, उनमें हमारे पास जो फॉर्मूले लगते हैं वो कौन से चलते हैं, जैसे साइन थीटा है तो साइन थीटा के लिए कोस 90 माइनस थीटा, इस तरीके से चलते हैं। और ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, इनको आप ऐसे सोच सकते हो जहाँ पर भी इनका सम कितना हो रहा है, 90 हो रहा है, तो वहाँ पर वही फॉर्मूले लगने हैं कि एक साइन को हमें चेंज करना पड़ेगा कोस 90 माइनस थीटा में, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ठीक है। ये आपको पता है पहले से बात, चैप्टर 8 एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 8.3 में ये मैंने आपको समझाई हुई है कहानी, ठीक है। तो देखो यहाँ पर भी आपको साफ पता चल रहा है दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, जिनका सम 90 होता है, तो ये दो एंगल का सम 90 है, तो यहाँ पर जो फॉर्मूले लगने वाले हैं वो कौन से लगने वाले हैं, साइन है तो कॉस 90 माइनस थीटा लगेगा यहाँ पर, ठीक है। अब जैसे यहाँ कॉस है नीचे, देखो कॉस में 22 और ये 68, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, साइन 90 माइनस थीटा, तो वो वाला फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो किसी एक में लगाना होता है, ठीक है। तो देखो साइन स्क्वेयर 22 डिग्री है ये हमारे पास, और देखो ये स्क्वेयर में तो टेंशन नहीं लेनी है, आपने सोचना है साइन थीटा क्या होता है हमारे पास, कोस 90 माइनस थीटा, तो यहाँ लगाओ पहले कोस 90 माइनस थीटा, थीटा कितना है यहाँ पर 68 है, ठीक है, और ये स्क्वेयर फिर यहाँ लगा दो, इस तरीके से आपको ये करने हैं, ठीक है। सेम नीचे भी ऐसे ही करेंगे, देखो कोस स्क्वेयर 22 डिग्री है प्लस में कोस थीटा, समझो इसको कोस थीटा को चेंज करो, साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा, थीटा कितना है 68 है, और ये स्क्वेयर में था तो यहाँ भी स्क्वेयर आ जाएगा, बस ऐसे करना है। अब देखिए तो सिंगल पड़ा है यहाँ पर प्लस में साइन स्क्वेयर में 63 डिग्री एज इट इज़ प्लस में, यहाँ देखो ये कोस 63 और ये 27, इनका भी सम 90, तो किसी एक को चेंज करो यहाँ पर, देखो ये 63 ही रहने दिया हमने, साइन थीटा है तो यहाँ पर साइन को चेंज कर दो, कोस 90 माइनस थीटा में, तो ये 90 माइनस में 27 आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये आ गया आपके पास साइन स्क्वेयर 22 डिग्री प्लस में ये आ जाएगा कोस स्क्वेयर, और 90 में से 68 माइनस करो तो आपके पास 22 ही आएगा, ठीक है। तो ये 22 डिग्री हो गया, अब अपॉन में कोस स्क्वेयर 22 डिग्री है प्लस में इधर साइन स्क्वेयर 90 में से 68 माइनस करो तो 22 ही आएगा, ठीक है, और प्लस में ये हो गया आपके पास साइन स्क्वेयर 63 डिग्री प्लस में। अब देखो ये कोस 63 और ये कोस, यहाँ से 90 में से 27 माइनस करो तो क्या आएगा, कोस 63 ही आ जाएगा, तो कोस 63 ये और कोस 63 ये कितना आ जाएगा, कोस स्क्वेयर 63 आ जाएगा, क्या इतनी बात समझ में आई है, ठीक है। ये एक स्टेप यहाँ से मैंने कट किया है कि 90 माइनस 27 यहाँ क्या लिखता, कोस 63, तो कोस 63 को मल्टीप्लाई करते कोस 63, तो कोस स्क्वेयर 63 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो आपको फॉर्मूले पता है एक, कि साइन स्क्वेयर थीटा प्लस में कोस स्क्वेयर थीटा क्या होता है, वन होता है, तो देखो यहाँ साइन स्क्वेयर थीटा प्लस में कोस स्क्वेयर थीटा, थीटा थीटा सेम है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, साइन स्क्वेयर थीटा प्लस में कोस स्क्वेयर थीटा ये आ गया वन। नीचे भी देख लो कोस स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा ये भी वन होता है, जब साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा वन है तो कोस स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा भी वन ही होता है, तो नीचे भी क्या आ गया, वन आ गया, ठीक है। इतनी बात, प्लस में साइन स्क्वेयर 63 है ये देखो, और यहाँ पर क्या है प्लस में कोस स्क्वेयर 63, मतलब क्या है साइन स्क्वेयर थीटा प्लस में कोस स्क्वेयर थीटा यहाँ भी बन रहा है, तो ये भी कितना हो जाएगा, वन, तो ये भी वन आ गया, समझ पा रहे हो इन चीज़ों को, तो ये क्या होगा, वन बाई वन वन ही होता है, और ये प्लस में वन है तो वन प्लस वन इज टू, तो टू इसका आंसर है, तो ऑप्शन देख लो टू कहाँ पर है, बी में है, तो बी ऑप्शन होगा इसका, जो कि आंसर है हमारा टू, आया समझ में। तो जब भी आपको ये देखा जाए कि ये इस तरीके से दे रखे हैं एंगल्स और इनका सम जो है वो 90 चल रहा है, ठीक है ना, तो यही फॉर्मूले लगे, किसी एक को चेंज करना है आपने 90 माइनस थीटा में, साइन का जैसे चेंज करना है, अगर दोनों साइन है तो एक साइन को चेंज करेंगे तो क्या आएगा कोस 90 माइनस थीटा, और दोनों ये कोस है तो एक कोस को चेंज करो तो क्या आएगा साइन 90 माइनस थीटा, जैसे यहाँ पर कोस था और ये साइन था। अब देखो यहाँ पर आप कोस को मत चेंज करना, क्यों, देखो थोड़ा सा आइडिया लेना ना आपको, साइन स्क्वेयर थीटा यहाँ भी हम क्या बनाना चाहेंगे, कोस स्क्वेयर थीटा बनाना चाहेंगे, अगर इसको साइन में चेंज कर दोगे तो ये भी क्या बन जाएगा दोबारा साइन स्क्वेयर थीटा, और साइन स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा तो टू साइन स्क्वेयर थीटा हो जाएगा, कुछ भी नहीं आएगा आंसर, तो ऐसे सोचना आपने, यहाँ साइन बन चुका है तो यहाँ पर क्या बनाना है, अब हमें कोस बनाना है, तो इस साइन को चेंज कर देंगे कोस 90 माइनस थीटा में, ताकि ये कोस स्क्वेयर थीटा बन जाए यहाँ पर, ठीक है, और साइंस के थीटा प्लस कोस के थीटा कितना होता है, वन होता है, तो आंसर कितना आ गया हमारा, वन प्लस वन टू आ गया, क्लियर है, कर लोगे इसको क्वेश्चन को, ठीक है, ओके जी, थैंक यू।